भगवान गौतम बुद्ध को विश्वर सर्वपुरातन धर्म मध्य बौद्ध धर्मर उत्पत्तिकारी भाव विवेचना करा जाए। तांकर अमूल्य चिंताधारा जीवनर अवस्था और दिग बदल थाए एवं नूतन प्रेरणा दे थाए। लोक माने तांकर शिक्षा एवं चिंताधारा को ग्रहण करती एवं तांकु अनुसरण करती। किंतु गौतम बुद्ध अनेक चिंताधारा मध्य गोटे हूँ स्वामी एवं स्त्री हेबर सहित उचित जहाँ जाणी आप आश्चर्य हे। गौतम बुद्ध अनुजाई प्रत्येक पुरुष चारि पत्नी प्रत्येक महिला चारि स्वामी रहा उचित से यह कहीं कहते यह पक्षर कारण कौन आपण एक कहानी उत्तर पाइबे। जड़े पुरुष चारि स्त्री थे पुरुष जीवन तक पत्नी मान सहित भले चली किंतु किसी समय पर व्यक्ति शारीरिक समस्या द्वारा घेरी रही बहुत अस्वस्थ पड़ते। यही रोग एत जटिल आरोग्य होगा परिवर्ते दिनकू दिन अवस्था बिगड़ी जाऊला। तांकर अवस्था देखती व्यक्ति जनक बुझीगले मृत्यु समय पाखे आसी। दिने तांकर प्रथम पत्नी को कहले प्रिय मोर मृत्यु पाखे आसी शीघ्र मो शरीर छाड़ी दुनिया मुक्त हेबी किंतु मो एकुटिया जीवा को चाहे ना मु तुमको सर्वदा भल पाए मोर मृत्यु पर तुम मो सहित जीव कि यह शुणी पत्नी चुप हो गले। शेषे से साहस संग्रह कर स्वामी को कहले स्वामी मु जाने तुम्हें मत बहुत भल पाओ एवं मु तुमको सम्मान भाव में भल पाए किंतु तुम्हारो मृत्यु सहित ओ अलग हबार समय आसी। यह कही प्रथम पत्नी मृत्यु पर सहित जीवाक मना करदे। यापर पुरुष जनक द्वितीय पत्नी निकट को जी सामान प्रश्न पचारती मृत्यु पर तुम्हें मो सहित जीव कि यार उत्तर में द्वितीय पत्नी कहती तुम्हें प्रथम पत्नी तुम सहित जीवाक मना कले मु तुम सहित किपर जी यह से चलीगले। व्यक्ति मृत्यु वर्तमान अति निकटने और तृतीय पत्नी को दुख समय डाकती सामान प्रश्न पचारती। तृतीय पत्नी मृत्यु समय सहित जीवाक मना करती। मृत्युर निकटने वर्तमान जड़े व्यक्तिर समस्त आशा समाप्ति हो शेषे से चतुर्थ पत्नी को डाकती और साहस संग्रह करती सामान प्रश्न पचारती जे तांकर तीन पत्नी को पचारिथिले व्यक्ति कहंती मृत्यु पर मुझे जेवाड़े जाए तुम्हें मध्य मो सहित सेठी को जीव कि चतुर्थ पत्नी कहंती स्वामी मु निश्चित तुम सहित जीवी तुम्हें जोठा को जाओ तुम्हें तुम सहित चली जीवी कारण मुझे तुम ठार दूरे रही पारि ना। कहानी वर्णना करुवा गौतम बुद्ध शेषे कही प्रत्येक पुरुष एवं स्त्री चारि पत्नी और चारि स्वामी रहा आवश्यक कारण यह चतुर्थ थर पर ही शुणा को पाइले। जदिओ कहानी उल्लेख कर चारि स्वामी और स्त्री अर्थ एटार गौतम बुद्ध जीवन दिग समय कही गौतम बुद्ध अनुजाई यह कहानी प्रथम पत्नी होम शरीर जार मृत्यु पर सहित जापर ना से मृत्यु पर शरीर को पोड़ दि जाए कि पोति दि जाए। द्वितीय पत्नी हूँ आम भाग्य मृत्यु पर आम भाग्य चली जाए आम यह सांगे नहीं पारना। तृतीय पत्नी संपर्क सहित जड़ित मृत्यु पर समस्त संपर्क एठार रही जाए आम चाहिए सांगे नहीं जापर ना। कहानी चतुर्थ पत्नी जी सांगे जावाक प्रस्तुत होती यह हूँ आम कर्म सहित जड़ित कर्म ही मृत्यु पर आम सहित जाए। कर्म ही एकमात्र जिनिष जहाद्वारा आम पाप एवं गुण गुड़िकर हिसाब स्थिर हो जाए मृत्यु पर आम आत्मा स्वर्ग किंबा नर्क पाई थाए। या पर आपण मानकर कौन मत रही कमेंट माध्यम निश्चय जनवे। आपड़ देखुं ओडिया पेंटित यूट्यूब चैनल लाइक से सब्सक्राइब करने जमा भूलिबेनि।